स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा पानीपत में उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत एक रैली का आयोजन किया गया। जिला फूड सप्लाई से अनीता खरब ने हरी झंडी दिखाकर पालिका बाजार से शुरू होकर इंसार मार्केट सलारगंज गेट से होते हुए लघु सचिवालय तक जाने वाली इस रैली की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। हर व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान खरीदता है वह उपभोक्ता है। उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नापतोल इत्यादि संकटों से घिरा है। उपभोक्ता क्योंकि संगठित नहीं है इसलिए वह कई जगह ठगा जाता है। उपभोक्ता को जागना होगा और खुद को इन संकटों से बचाना होगा। इस अवसर पर विपुल धीमान, विनय मलिक, मनोज जैन, रितु रेवड़ी, अनीता चावला, राकेश मक्कड़, विशाल गोस्वामी, गौरव लिखा, पुनीत बत्रा, गिरीश शर्मा, यश, दीपक सलूजा आदि विशेष तौर पर मौजूद रहे। फाउंडेशन सोसाइटी ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो उपभोक्ताओं को जागरूक करने की दिशा में इन्होंने अपनी पहल की है। पहले भी जैसा आपको ज्ञात है कि ये हर एक क्षेत्र में सामाजिक पहलुओं से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में ये कार्य करते रहते हैं और बहुत ही सक्रिय रहते हैं और हर फील्ड में मैंने देखा है इनको करते हुए काम, तो बहुत ही अच्छा काम ये कर रहे हैं। तो आज जिस तरह से इन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों की सहायता से कदम उठाया है, ये बेहद सराहनीय है। इनका मेन मकसद, जो हमारे विभाग का भी पहला मकसद है, कि हम उपभोक्ताओं को जागरूक करें और उनको आवाज़ दें कि वो अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो उसका विरोध करें। आमतौर पर ये देखा गया है कि इतनी जागरूकता के लिए हम कोशिश करते हैं, फिर भी काफ़ी उपभोक्ता कोई भी सामान लेते हैं तो उसकी रसीद नहीं लेते, जिसके अभाव में वो बाद में उसकी शिकायत नहीं कर पाते, कोई भी उसमें कमी आ जाए तो। इसी प्रकार से मैं आज इस कार्यक्रम में अपने विभाग से जुड़ी भी एक जानकारी शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर राशन वितरण डिपो धारकों के माध्यम से किया जाता है गरीब लोगों में, तो पिछले कुछ समय से हमारे पास ये शिकायतें आ रही हैं कि उपभोक्ताओं को वो पर्ची नहीं देते हैं जो राशन का सामान है। तो मेरा ये संदेश है, सभी को आह्वान है कि सभी उपभोक्ता, जो भी गरीब आदमी डिपो में राशन लेने जाता है, वो उसकी पर्ची अवश्य ले। जब वो पर्ची लेगा तो उसको ये पता चलता है कि उसका कितना राशन बनता है और डिपो धारक ने उसको कितना जारी किया, उसकी कितनी राशि बनती है, डिपो धारक ने उसको कितनी जारी करी, उसकी कितनी वस्तुएं आई हैं, दो आई हैं, तीन आई हैं, किसका उसने बिल जारी किया है जो उसको मिला। तो इस तरह से उसके साथ वो कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, उसको कम सामान जारी नहीं कर पाएगा। इसलिए आज सुनीता जी के कार्यक्रम में मैं आपने भी ये संदेश सभी गरीब भाइयों बहनों को देना चाहती हूँ, और सुनीता जी से मेरा ये अनुरोध है कि वो इस तरह के कार्यक्रम निरंतर करते रहें, क्योंकि समाज में जागरूकता जितनी ज़्यादा आएगी उतना ही शोषण गरीब आदमी का कम हो सकेगा। धन्यवाद। यहाँ पानीपत में उपभोक्ता जागरूकता अभियान की शुरुआत की है और मैम के सौजन्य से ही किया है, इनके गाइडलाइन में ही हमने आज यह शुरुआत की है कि हम सब उपभोक्ता हैं और हम डेली रूटीन में कोई ना कोई हम हानि उठाते रहते हैं। पे हम अच्छे का करते हैं बट हमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती, ना हमें पूरा सामान मिल पाता है जितना हम पे करते हैं। तो इसी के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आज हमने इस अभियान की शुरुआत की है। पालिका बाजार से हम ये अभियान शुरू कर रहे हैं और इंसार मार्केट से होते हुए, सलारगंज से होते हुए लघु सचिवालय में हम इसका समापन करेंगे।